हमने सुनी बर्फ गिर रही, तो तुम बर्फ खा रहे? खा लो सब्जी नहीं खा लो। आप जाइए यार, बर्फ गिर रही तो बर्फ खाना चाहिए। क्या ठंडी है, चिल्ड है। माता रानी के सभी लाड़े भक्तों को जय माता दी, और आप सभी लोगों को आज के ब्लॉग में माता रानी के दर्शन, पूरी यात्रा भैरव घाटी तक, बर्फबारी बहुत अच्छी हो गई है, बर्फ के नजारे और हर चीज की जानकारी आपको ब्लॉग में मिलेगी। ब्लॉग को पूरा देखें, लौट के ब्लॉग आपको ये कल शाम को मिलेगा, और मेरी आशा करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों का नॉलेज दे सकूँ और यात्रा का पूरा आनंद आपको घर बैठे दे सकूँ। तो जयकारा बोले जय माता दी, हम जय साढ़े पाँच बजे सुबह हम लोग लाइन में लग के फटाफट, दो मिनट नहीं लगे मुश्किल से हम लोगों को, और हमारा आईडी कार्ड बन गया। ये कार्ड बहुत जरूरी है, ये कार्ड लेके यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग राजभर होटल में रुके रहे हैं। चलिए बाकी जानकारी आपको आगे ब्लॉग में देते रहेंगे। जय माता दी। सभी यात्री कोई भी तो लैपटॉप कैमरा जरूर लेके नहीं आएगा, रूम पे रख के आएगा, वरना 2000 का फाइन लगेगा उसको, और कोर्स उसका लैपटॉप और मोबाइल भी छुड़ा नहीं होता है। इसलिए अपना कैमरा और लैपटॉप हैंडी कैम वगैरह बिल्कुल लेके नहीं आना है। तो देर न करें और यात्रा को शुरू करते हैं। जयकारा सिरावाली का सच्चे दरबार की जय। गुलशन कुमार जी का निःशुल्क 24 घंटे चलने वाला भंडारा, आप लोग यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर प्रसाद जरूर ग्रहण करें। बाल गंगा का नजारा, मैं तो बाल गंगा को बाल गंगा गंगा से 700 जीने चढ़ गए, हालत खराब हो गई। भाई साहब कैसा लग रहा हो, देख रहे सकल उतर गई, देख रहे भाई ये कटरा कहाँ है, वो तैसे इतने आ गई, आधो रह गो भैया, वो कम से कम 400-500 जीना हो रहे हैं भाई। कहाँ से आए हो? राजनगर से आए हो? क्या नाम है आपका? राजनगर सिटी नाम है आपका?
आपने डांस किया था, कितना किया था? ये तो अपने पड़ोसी भाई। फिर से करो एक बार, जल्दी करो थोड़ा सा। फिर आप लोगों ने ट्राई की है आइसक्रीम? नहीं किए यात्रा में जरूर ट्राई करें। 300 रुपए के लिए 30 किलोग्राम जरूर खाएं। अर्थ कुमारी हम लोग आ गए हैं भैरव कुंड में। जय माता दी। अभी तक का हम लोगों का 7 किलोमीटर का सफर पूरा हो गया है और अब गुलशन कुमार जी के यहाँ भंडारे में जो खाना खाया था उसके बाद हम लोग खाना खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ तक। इसके आगे अभी आपका भवन जाना है, भवन की यात्रा, भैरव घाटी, सभी जगह के दर्शन कराऊंगा। बहुत मजा है, बहुत अच्छा बर्फबारी हो रही है तो बंद में अर्थकुमारी मैया का गुफा है, गर्भजुन गुफा जिसके नाम से फेमस है और यहाँ करीब अभी 2 दिन की वेटिंग चल रही है। तो जो भी यात्री रास्ते में हो या आ रहे हो तो कृपया करके पहले से गर्भजुन गुफा की बुकिंग कर लें क्योंकि 2 दिन की वेटिंग चल रही है। अभी जो ग्रुप नंबर इसमें चल रहा है आज का 670 नंबर ग्रुप नंबर चल रहा है, तो आप जब भी आएँ तो टाइम निकाल के आएँ 2-3 दिन का, तभी आप यहाँ गर्भजुन गुफा के दर्शन कर पाएंगे। और मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा, बने रहें ब्लॉग में, अभी यात्रा अपनी बहुत लंबी है। जय माता दी। कितने शानदार नज़ारे सामने बादल त्रिकुट पर्वत पर जाते हुए, ऐसा व्यू मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बादल पहाड़ बराबर साथ है बिल्कुल। अर्थकुमारी से होते हुए भवन की ओर जाते हुए सभी लोग माता के लाडले बहुत ही प्यारे हैं, माता उनको शक्ति दें। जय माता दी। से अब हम लोग नए रास्ते तरफ, ताराकोट वाला रास्ता है जो, इस नए रास्ते पर प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे ब्लॉग में। आरती जय मां।
और जो देख रहे हैं वो क्या करेंगे? जय बोलेंगे, जय माता दी बोले, जय माता दी। बादलों के बीचों बीच हम लोग देख सकते हैं आप, बादलों के बीचों बीच देख सकते हैं बादल, देखो आप लोग बादलों के ऊपर हैं। वायरो पसीना के संगे संगे पूरा बहुत खतरनाक है, 5 फुट की दूर को दिखाई दे रहा हो, और ऐसे भैया बस 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है भवन माता का, बस जल्दी चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और फिर चलते हैं भैरव घाटी। त्रिकूट पर्वत का मजा ही अलग है, देख रहे हैं आप चारों तरफ बादलों में बीच कोहरे के बीच बर्फबारी का मजा, ऐसा ही है माता रानी का जलवा। और हम माता रानी लाडले भक्त चले आते हैं हर साल, आप भी आए और माता रानी के भवन में माता टेक, जय माता। बिल्कुल भवन के पास चेक पोस्ट, लास्ट चेक पोस्ट है, इसके बाद कोई चेक पोस्ट नहीं है। माता रानी भवन बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर है, बस चलते हैं माता रानी दरबार में। कोहरा बहुत ज़्यादा है, वरना आपको यहाँ से मैं दर्शन कराता, थोड़ी थोड़ी लाइटें जल्दी दिख रही होंगी आप लोगों को, बहुत थोड़ी सी लाइटें दिख रही होंगी जलती हुई, बहुत कोहरा है तो भवन नहीं दिख रहा है। बाकी चलते हैं उस तरफ से दिखाते हैं भवन, ये रोपवे का है, यहाँ से रोपवे के लिए है, रोपवे अभी बंद है, इसके कोहरे के चक्कर में रोपवे बंद है बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं भवन, आपको रान दर्शन कराते हैं। ये ठंडा है बेटे, आजा मेरे बेटे, नहीं आजा। तो भैया अपन भवन आ गए, सामने माता रानी का भवन है, सभी लोग ऐसी हाजिरी लगाए, जय माता रानी की, पहाड़ों वाली मारा माता की जय। ये रोपवे की एंट्री काउंटर है, यहाँ से रोपवे की एंट्री के लिए, और ये हेलीकॉप्टर टिकट के, हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने के लिए यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं आके, और यहाँ से सीधा माता रानी भवन का रास्ता गया है तो आप जाएंगे, और ये ऊपर वाला रास्ता भैरवनाथ के लिए गया है। यहाँ से मंदिर में जाने, भवन में जाने के लिए लाइन लगती है।
गए हैं भैरवनाथ सभी लोग, बहुत ही आनंद आ रहा है। दर्शन हो गए हमको और हमारी यात्रा पूरी हुई और अब हम चलते हैं वापस कटरा। ठीक है, आपको दिखाते हैं ब्लॉग में वापसी वाला रास्ता कौन सा है, क्योंकि एक रास्ता बैक गया इधर से अपन लोग आए थे और अब जाना अपन को वापसी इस तरफ, इस तरफ से भी रास्ता है और इस तरफ से जो रास्ता है ये वाला रास्ता, ये नया रास्ता है, ये आपको सही पड़ेगा और दर्द कम होगा पैरों में। ठीक है, चलते हैं। जैसे सांझी छत पर अपन से अर्धकुमारी के लिए जाते हैं, बीच रास्ते में श्राइन बोर्ड की तरफ से निःशुल्क प्रसादी बांटी जाती है, 24 घंटे प्रसादी चलती है, ये हलवा सूजी का और चने मसाले वाले, और बहुत लोग प्रसाद खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यात्रा करके आ गए कोल पहाड़, पीछे कोल पहाड़ को बोर्ड लगो जखड़ी ट्रेन, और अब मिल रहे नई जगह नई स्थान पे। जय माता दी, जय माता। बहुत बढ़िया यात्रा भाई, आप लोग पूरा ब्लॉग देखो, बहुत बहुत धन्यवाद।